Hi guys, I hope you all are very well at your homes. Now in previous video we have seen power set and universal set. Now today we will discuss intervals as a subset of real numbers. Class 11th का टॉपिक है जो अपना चैप्टर चल रहा है सेट, उसी में अपन पावर सेट और यूनिवर्सल सेट प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं. इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं और उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. चार टाइप के इंटरवल्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स के अंदर. सबसे पहला आपको पढ़ना है क्लोज इंटरवल, देन ओपन इंटरवल, देन सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल. ये चार टाइप्स के इंटरवल्स हैं. बहुत आसान है, बहुत इजीली आपके क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा. तो देखते हैं कि भाई अच्छा पहले इंटरवल्स क्या होता है. देखिए इंटरवल्स कोई भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकती है उसको अपन जनरली क्या कहते हैं कि इंटरवल, मतलब कोई वैल्यू किस पर्टिकुलर रेंज के अंदर लाई करेगी उसको अपन इंटरवल बोलते हैं. बात समझ में आई. अब इंटरवल में जो सबसे पहला इंटरवल है हमारे पास वो है क्लोज इंटरवल. अभी क्लोज इंटरवल क्या होता है तो देखिएगा ध्यान से. क्लोज इंटरवल क्या है, लेट ए एंड बी बी टू गिवन रियल नंबर्स. ए और बी कोई दो रियल नंबर्स हमारे पास, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर टू रियल नंबर्स, सच दैट ए लेस देन बी. ए जो होगा वो बी से लेस होगा. देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी. इस सिंबल को कैसे रीड आउट करोगे, लेस देन इक्वल टू, फिर x है, फिर लेस देन इक्वल्स टू, फिर b है. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये कहाँ से कहाँ वैरी कर सकता है. बात समझ आ रही है, मतलब जो x की जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है. तो x की वैल्यू a और b के बीच में कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है इंक्लूडिंग विद a एंड b. यहाँ पर इक्वल टू सिंबल लगा हुआ है तो आपको a और b दोनों को क्या करना है, इंक्लूड भी करना है. बात समझ आई. इस कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल. इस इंटरवल को, ये जो इंटरवल लिखा हुआ है इस इंटरवल को हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं. भाई क्लोज का मतलब क्या हुआ, पैक हो गया ना एक तरीके से, मतलब आपको ए और बी इन दोनों वैल्यूज को भी क्या करना होता है इसके अंदर, इंक्लूड करना होता है. नाउ एंड इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी. इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिनोट करते हैं. ए और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर बी लिखेंगे. याद रखें स्टूडेंट्स, जो ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं वही ब्रैकेट्स आपको यूज़ करने हैं. स्क्वायर ब्रैकेट है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करना है, आप इसके अलावा कोई अदर ब्रैकेट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. अगर क्लोज इंटरवल है तो आपको ब्रैकेट्स कौन से यूज़ करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने हैं. बात समझ आई. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है भाई कि जो a कॉमा बी है इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r. x बिलोंग्स टू r का मतलब x जो वो सभी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब x जो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है. सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, x की वैल्यू a हो सकती है, b हो सकती है और इनके बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है. बात समझ में आ रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मान लीजिए, अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स, दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं, हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन टू रियल नंबर्स. हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा इनफाइनाइट रियल नंबर्स. बात समझ आ रही है. जैसे मैं आपसे बोलूँ वन और टू के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं सर एक भी नहीं होता वन और टू के बीच में. तो याद रखें स्टूडेंट्स, वन और टू के बीच में मैं रियल नंबर्स पूछ रहा हूँ, नेचुरल नहीं पूछ रहा हूँ. वन और टू के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं, तो आंसर आएगा हमारा इनफाइनाइट रियल नंबर्स. बात समझ आ रही है. हाँ लेकिन अगर ये बोला जाता है कि भाई वन और टू के बीच में कितने रियल कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो हमारा आंसर जाएगा कि एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता. बट इन केस ऑफ रियल नंबर्स इन बिटवीन वन एंड टू देर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स. बात समझ आ गई. तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर सपोज हमने ले लिया सपोज वन से लेके लेट से थ्री ले लिया. बात समझ में आई. तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये जो इंटरवल लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है और 1 और 3 के बीच में x की कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है. बात समझ आई. कोई सा भी रियल नंबर x हो सकता है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि 3 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, 1 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है. इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, इसी चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बात समझ में आ गई. तो ये था हमारा क्या, क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसके अंदर. बात समझ में आई. नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, नेक्स्ट आएगा हमारा ओपन इंटरवल. देखते हैं ओपन इंटरवल क्या होता है. अब देखिए ओपन इंटरवल में पूरा सेम रहता है,
ए बी इस तरीके से, यहाँ पर बस आपको ये इक्वल टू हटा देने होते हैं। ओपन इंटरवल में आपको क्या करना है, ये दोनों जो इक्वल टू के सिंबल थे यहाँ से रिमूव कर देना होता है, और जो नोटेशन है उस नोटेशन में हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या, स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। और इसका एक और नोटेशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझ आई मेरी अच्छे से। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगे दोनों जगह, और यहाँ से इक्वल टू रिमूव हो जाएगा, बात समझ आई मेरी अच्छे से। चलिए भाई, तो अब बात करते हैं ओपन इंटरवल क्या है। तो देखिए, ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में से एक छोटा सा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस क्या है कि ओपन इंटरवल के अंदर वो इक्वल टू सिंबल जो है वो गायब हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। बट जो इससे पहले हमने जो पढ़ा क्लोज इंटरवल, उस क्लोज इंटरवल के अंदर वो इक्वल टू सिंबल भी चलता है। तो बहुत ईजी डेफिनेशन है, सब कुछ वही है, बस मैंने चेंजेस कहाँ किया है, मैंने चेंज किया है यहाँ से इक्वल टू सिंबल हटा दिया है, और जो इसका नोटेशन है जो आप रिप्रेजेंट करेंगे वो तरीका बदल जाएगा, मतलब वे ऑफ राइटिंग जो बदल जाएगा। अब ब्रैकेट्स कौन से लेने हैं आपको, स्मॉल ब्रैकेट, इसको अपन पैरेंथिसिस भी बोलते हैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, और इसी को इसी तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो भाई। या तो आप ऐसे डिनोट कर लें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉमा बी, या तो ऐसे डिनोट करें, या फिर इसी को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, बात समझ आई। तो अच्छा, ये अगेन वही चीज़ आ गई, ए कॉमा बी है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है वो क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकती है, बट ए नहीं हो सकती और बी भी नहीं हो सकती है। रीज़न क्योंकि भाई अब यहाँ पर जो है वो इक्वल टू सिंबल जो है वो गायब हो गया है, यहाँ पर इक्वल टू सिंबल अब नहीं है, तो अब यहाँ पर हम ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। सपोज मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 1, 3, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को मैंने ऐसा लिख दिया, x belongs to real number, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट से कि जो x है ये कुछ इस तरीके का है, x की वैल्यू जो है वो 1 और 3 के बीच में है। तो अब x की जो वैल्यू है वो 1 और 3 नहीं हो सकती है, लेकिन 1 और 3 के बीच में कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है जिसमें वो आपको कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म, आपको सेट बिल्डर फॉर्म देगा और आपसे बोलेगा कि भाई इसको इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि सेमी ओपन क्या होता है और सेमी क्लोज क्या होता है। नाउ हैव अ लुक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, हम लोगों ने दो टाइप्स के इंटरवल पढ़ लिए हैं, एक हमने पढ़ लिया ओपन इंटरवल और एक हमने पढ़ लिया क्लोज इंटरवल, उसके बाद हमारे सेमी ओपन और सेमी क्लोज बाकी हैं। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे दूँ क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है। वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन देगा, वो आपको इस तरीके से देगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट -4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। इस तरीके से आपको देगा सेट बिल्डर फॉर्म और आपसे बोलेगा कि इसको इंटरवल फॉर्म में लिख के बताओ। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, भाई आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है ना, मतलब कि x जो है वो -4 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -4 इंक्लूडेड है और 3 भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो इसका जो इंटरवल फॉर्म बनेगी, मतलब इसी की जो इंटरवल फॉर्म बनेगी, वो इंटरवल फॉर्म क्या बनेगी, इंटरवल फॉर्म बन जाएगी इसकी। अब देखिए इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो ये किस टाइप का इंटरवल है, यस ये है क्लोज्ड इंटरवल। तो आप इस कौन से ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ लिखेंगे -4, 3 और तरीके से आप स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, इंटरवल्स के अंदर। तो इंटरवल्स में बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस टाइप का इंटरवल है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इक्वल टू लगा हुआ है दोनों के अंदर, तो ये किस टाइप का हुआ, ये हुआ क्लोज टाइप का। तो क्लोज इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता लेट से एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट लेट से -3 लेस देन एक्स लेस देन 4 इस तरीके का होता, तो अब आपको देखना है ये किस टाइप का इंटरवल है। क्या यहाँ पर इक्वल टू है दोनों जगह, दोनों जगह इक्वल टू नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल है। किस टाइप का है, ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल के लिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इसको इसकी जो इंटरवल फॉर्म है वो इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरवल फॉर्म हो जाएगी इसकी क्या, -3, 4 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें, देखिए हमें आप सभी को पता भी है
कि नेगेटिव नंबर जो है वो इस साइड चलते हैं, फिर जीरो आता है, फिर पॉजिटिव नंबर उस साइड चलते हैं। तो जब अपन इंटरवल फॉर्म लिखते हैं ना यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर नेगेटिव वाली वैल्यूज लिखी जाती हैं, देन वहाँ पर पॉजिटिव वाली वैल्यूज लिखी जाती हैं। इसको आप ऐसे नहीं करेंगे आपने पॉजिटिव 4 इधर लिख दिया और -3 उधर लिख दिया, बात समझ आ रही है? पहले नेगेटिव वाली टर्म लिखनी है, बाद में आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव वाली टर्म लिखनी है। नाउ तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, ये हमारी आ गई इंटरवल फॉर्म। बहुत ईजी था। तो एक एग्जाम्पल हमने किस पे देख लिया, क्लोज इंटरवल पे, और एक एग्जाम्पल हमने किस पे देख लिया, ओपन इंटरवल पे। नाउ प्रोसीड टू दी नेक्स्ट इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। अब बात करेंगे कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होता है। एज द नेम इम्प्लाइज, सेमी, सेमी का मतलब आधा, एक तरीके से आधा खुला हुआ और आधा बंद। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, दोनों तरफ से क्या था, बंद, इसलिए क्लोज था। यहाँ पर दोनों तरफ से खुला हुआ है, खुला हुआ से मेरा मतलब कि इक्वल टू नहीं है, तो इसको हमने क्या बोला, ओपन। अब क्या टॉपिक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, मतलब आधा खुला आधा बंद। तो नाम से क्लियर है कि एक जगह इक्वल टू लगा देंगे और एक जगह इक्वल टू नहीं लगाएंगे। नाउ हैव अ लुक, देखते हैं क्या है। नाउ अब देखते हैं हमारा अगला इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक है भाई, क्या है देखते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, अगेन ए और बी क्या है, ए और बी दो रियल नंबर है, वेयर ए इज लेस देन बी, ए जो बी से छोटा है, देन द सेट। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर ए लिखा हुआ है, कॉमा, फिर बी, और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। बात सुना रही है? अब देखिए यहाँ पर ये आधा खुला हुआ है और आधा बंद है। बात सुना रही है? यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें, ये बाय मिस्टेक नहीं लिखा है, ये ऐसा ही है। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह से इक्वल टू गायब कर दिया हमने, मतलब कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सिमिलरली एंड ए कॉमा बी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पर हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया हुआ है, मतलब ए तो इंक्लूड होगा बट बी जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ए जो था ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है, और बी जो है ये इंक्लूड होगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता है स्टूडेंट्स तो उसको इंक्लूड करते हैं, और जब स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। वेल तो a कॉमा बी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू b। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू लग गया, क्यों, क्योंकि a इंक्लूड था यहाँ पर x, फिर लेस देन b। अब b के यहाँ पर हमने इक्वल टू सिंबल नहीं लगाया है क्योंकि b जो है वो एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। बात सुन भाई, तो आर नॉन एज सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, इसी को हम कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज। इसको अपन एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं, जैसे हमने ऐसा लिखा a कॉमा b और दिस, इसका मतलब क्या है, ए जो है ये एक्सक्लूडेड है, मतलब ए को इंक्लूड नहीं करना है, बी जो है ये इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। इसी को आप एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए कॉमा बी। अब देखिए इसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट यूज किया हुआ है, तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, मीनिंग रिमेन्स सेम। बात समझ में आई? चलिए भाई, अब देखिए इधर, यहाँ पर क्या है, हमने ए को इंक्लूड किया है और बी को एक्सक्लूड किया है, तो इसी को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इंक्लूडेड है तो ए, बी जो है एक्सक्लूडेड है, तो बी की जगह पर आप ये वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज। अच्छा, इसको हम लोग इंटरवल फॉर्म एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड जो एक्स है वो लेट्स से टू लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से फाइव, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और आपसे बोला है कि कन्वर्ट करके बताओ किसके अंदर, इंटरवल फॉर्म के अंदर। तो इंटरवल फॉर्म क्या बनेगी, अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं है और यहाँ पर इक्वल टू उन्होंने यूज किया हुआ है, तो इसका जो इंटरवल फॉर्म है, इंटरवल फॉर्म क्या आ जाएगी। अच्छा, ये किस टाइप का इंटरवल है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, तो इंटरवल फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए टू पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर अपन टू को इंक्लूड नहीं करेंगे, फाइव पे इक्वल टू है तो फाइव को हम इंक्लूड कर लेंगे, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये ऐसा होता, x belongs to r such that -3 और less than equals to x less than let's say 9, इसका इंटरवल फॉर्म बनाना है। तो इंटरवल फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, मतलब इसको इंक्लूड करना है और इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो इंटरवल फॉर्म क्या आ जाएगी, इंटरवल फॉर्म आ जाएगी कि भाई -3 को तो इंक्लूड करो और 9 को जो एक्सक्लूड कर दीजिए, तो 9 को हमने एक्सक्लूड कर दिया।
तो ये थे हमारे इंटरवल्स, जिसमें हम लोगों ने ये सीख लिया कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इंटरवल फॉर्म के अंदर। अच्छा, इसी का रिवर्स क्वेश्चन भी बन सकता है, इसी का रिवर्स क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या आपको इंटरवल फॉर्म दे दी जाए और आपसे कौन सी फॉर्म मांगी जाए? सेट बिल्डर फॉर्म मांगी जाए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए भाई, अब आपको इंटरवल फॉर्म दी जाएगी और आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। नाउ हैव अ लुक, सपोज आपको दे दिया इंटरवल इस तरीके का -2, 1, ठीक है। इंटरवल है किस टाइप का इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है, दोनों जगह ब्रैकेट्स कौन से हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो अब इसका आपको क्या बनाना है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे इसकी? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, सच दैट, अब x जो कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है? -2। अब चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट है तो आपको यहाँ पर इक्वल टू लगाना पड़ेगा, x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी फॉर्म रेडी हो गई, कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल। सपोज इस बार आपको दिया 3, 5 और इस तरीके से दिया, इसका आपको क्या बनाना है? सेट बिल्डर फॉर्म आपको बनानी है। तो आप देखिए, 3 जो है ये इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड है। तो रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 3, अब चूंकि एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन लगेगा, इक्वल टू नहीं लगेगा। x लेस देन, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पर अब आपको इक्वल टू ही लगाना पड़ेगा, और 5। ये आपकी फॉर्म बन के रेडी हो गई, कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स से लिखा हुआ है -1, 2, 1, दोनों ही क्या है? इंक्लूड नहीं है, समझा नहीं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स यूज किए हुए हमने। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट -1, x और 1, दोनों को हमने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया है, इंक्लूड नहीं किया है। तो आई होप बच्चों, स्टूडेंट्स, ये आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इंटरवल्स लिखते हैं और उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? अब इसके अलावा अपन ये देखेंगे कि इनको हम रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपन बचपन में नंबर लाइन पे नंबर्स को डिनोट करते थे, उसी तरीके से अब आपको ये देखना है कि ये जो इंटरवल्स हैं इसको आप रियल लाइन पे किस तरीके से शो करते हैं। नाउ हैव अ लुक, देखते हैं। नाउ अब देखेंगे रियल लाइन पर कैसे इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मान लीजिए उसने आपको दिया -1, 2, 5, ठीक है। इसके आराम से आप सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं ना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ब्रैकेट कौन से? स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो -1 लेस देन इक्वल्स टू, सिंबल आएगा लेस देन इक्वल्स टू x, लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? रियल लाइन पर क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे? एक रियल लाइन बनाएंगे, यहाँ पर एरो। अब देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये पॉजिटिव वाला साइड है और ये नेगेटिव वाला साइड है। तो पॉजिटिव में यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। बात सुन जाएगी? अब आपको देखने पॉइंट कौन से? -1 और 5 है। तो आप यहाँ पर लेट से -1 और यहाँ पर लेट से 5 ले लिया हमने। अब आपको क्या करना है? -1 और 5 जो है ना, ये इंक्लूडेड है। तो आपको यहाँ पर एक सर्कल बनाना है और इसको सॉलिड कर देना है, मतलब सॉलिड बनाना है इधर, और यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है? सॉलिड बना देना है। दोनों जगह क्या बना दिया हमने? सॉलिड बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 और 5 जो है ये इंक्लूडेड हैं। अब इनके बीच की भी तो सारी वैल्यूज आएंगी, तो इनके बीच की ये जो लाइन है इसको आप डार्क कर दो। इस लाइन को आप क्या कर दीजिए? डार्क कर दीजिए। तो ये हमारा रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंटेशन हो गया। बात समझ में आई? कैसे मैंने प्रेजेंट किया? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये इंटरवल किस टाइप का है, ओपन है, क्लोज है, सेमी ओपन है, सेमी क्लोज है, ये आपको पहले चेक कर लेना है। उसके बाद अगर इंक्लूडेड है दोनों वैल्यूज, तो दोनों को आपको सॉलिड बनाना है और बीच वाली वैल्यू, बीच में ये जो लाइन है इसको डार्क कर देना है। बात समझ में आ गई? आप चाहो तो ऊपर की तरफ लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको डार्क कर दो। क्लियर? एक और देखते हैं। सपोज ये ऐसा होता -2, 2, लेट्स से 3 और ये ऐसा होता, ठीक है, या अपन पहले के इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा होता, ठीक है। तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या बनेगी? x बिलोंग्स टू r सच दैट, कौन सा इंटरवल है? दोनों वैल्यूज क्या हैं? दोनों वैल्यूज जो एक्सक्लूडेड हैं। बात समझ में आई? तो इट इज़ एन ओपन इंटरवल। इसको डिनोट करेंगे अपन -2 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा। अब इसको हमें क्या करना है? रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आप एक रियल लाइन बनाएंगे अगेन,
इस साइड में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड क्या लिखेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब वैल्यू देखेंगे, माइनस टू और थ्री है, तो लेट्स से यहाँ पर माइनस टू और यहाँ पर लेट्स से थ्री है। अब आप देखिए दोनों जो वैल्यूज है माइनस टू और थ्री, ये एक्सक्लूडेड है, बात समझ आई। तो पहले हमने क्या बनाए थे, सॉलिड। अब आपको यहाँ क्या बनाने हैं, ब्लैंक। यहाँ पे अब आपको क्या बनाने हैं, दो ब्लैंक्स बनाने हैं, मतलब माइनस टू और जो थ्री है ये इंक्लूडेड नहीं है, बट इनके बीच की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज सारी आएंगी। तो आप सिर्फ बीच में डार्क कर देंगे, ये जो चीज़ है ये वाली लाइन, इसको आप क्या कर दें, डार्क कर दें, बट ये दोनों सर्कल कैसे रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे। तो ये हो गया हमारा किसका, ओपन इंटरवल के लिए। अब अगर मान लीजिए सेमी ओपन होता, सपोज़ ये ऐसा होता माइनस वन से लेट से फाइव, और ये ऐसा होता, ठीक है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, x belongs to real number such that x यहाँ पर माइनस वन लेस देन x और लेस देन इक्वल्स टू फाइव, बात समझ में आई। यहाँ पर फाइव के बाद कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे, दैट मीन्स इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन बनानी है, अगेन यहाँ पे आपको इन्फिनिटी लिखना है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी यूज़ करना है। दो पॉइंट्स हैं, एक है माइनस वन और एक है फाइव, ठीक है। माइनस वन जो है ये एक्सक्लूडेड है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ तो क्या बनेगा, ब्लैंक। लेकिन फाइव जो है ये इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉलिड। यहाँ पे आप इस तरीके से डार्क कर देंगे, और इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यूज है सारी आएंगी, तो इस वाली लाइन को आपको डार्क कर देना है, बात समझ में आ गई। और अगर मान लीजिए ये इंक्लूड होती और ये नहीं होती, जैसे सपोज मान लीजिए ऐसा होता माइनस वन फाइव, और अब देखिए ब्रैकेट ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी ये है कि फाइव जो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। बट फिलहाल मैं ऐसे बना रहा हूँ, अभी इस तरीके से ऐसे बनाए जैसे मैंने पहले बनाया था, मीनिंग सेम ही है। इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, माइनस वन जो है इधर आएगा, फाइव इधर आ जाएगा, माइनस वन पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको आप इंक्लूड कर लेंगे तो ये वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी, फाइव जो है एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ब्लैंक बनेगा, और इनके बीच की सारी वैल्यूज, तो इसको आप डार्क कर देंगे, बात समझना स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक ये क्या था, ये था रियल लाइन पर कैसे इंटरवल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और है, वो आपको और बतानी है, वो थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें कि पूरे रियल नंबर के सेट को कैसे इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वन मोर थिंग हियर, आपको बस एक चीज़ और बतानी है छोटी सी, कि मैंने आपको प्रीवियस स्टार्टिंग में बताया था कि रियल नंबर का जो सेट होता है उसको हम किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, अभी आया भी था, कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब आपसे कहा जाए कि ये जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, इसको इंटरवल फॉर्म में लिख के बताओ, तो आपको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखना है इसको, देखिए हम आर लिखें या हम इसको ऐसे लिख दें, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स, इसमें सारे रियल नंबर्स आ गए। एक चीज़ का ख्याल रखें स्टूडेंट्स, जब भी इन्फिनिटी लिखा जाता है तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना है, कभी भी इन्फिनिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ नहीं करते हैं, मतलब इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि इन्फिनिटी भाई अनकाउंटेबल, काउंट ही नहीं कर सकते, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्लियर है। आपको ब्रैकेट्स कौन सा यूज़ करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स ही यूज़ करने हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन है जिसका सारे रियल नंबर, अगर आप आर लिखो या पैसा लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम है, बात समझ आई। लेकिन अगर आपको लिखना है पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स को अपन डिनोट करते हैं आर प्लस से, तो इसमें हम यहाँ पर जीरो कॉमा इन्फिनिटी और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, जीरो इंक्लूड किया हमने, ठीक है, और इन्फिनिटी पे हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करा, इसको एक्सक्लूड कर देना, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे, बात समझ में आई। इसी तरीके से अपन नेगेटिव रियल नंबर्स में नेगेटिव इन्फिनिटी टू जीरो ले लेंगे, बात समझ में आई। तो ये छोटी सी एक चीज़ थी, ये आपको ध्यान रखना है, और क्लास ट्वेल्थ के अंदर ये बहुत यूज़फुल है, क्लास ट्वेल्थ के अंदर ये रेंज जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर रेंज डोमेन वगैरह चलता है, तो वहाँ पे ये इंटरवल्स बहुत मैटर करते हैं, ये ब्रैकेट्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो क्लास इलेवेंथ का है, बट ये काफ़ी यूज़ भी आता है क्लास ट्वेल्थ के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं, देन यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन पर, कि जो इलेवेंथ एनसीईआरटी की जो अगली एक्सरसाइज है हमारी, वो कैसे सॉल्व होगी। बट उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है, ये वीडियो आप अच्छे से देख लें, ताकि आपको क्या हो, आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो,
Now, thank you so much.